हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और उस एक्सरसाइज पे हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज के लेक्चर की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 7 से हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 10.3 डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑन डेफिनेट इंटीग्रल। आई होप आप सब साथ साथ काम कर रहे होंगे। क्वेश्चन है 0 से इन्फिनिटी 1/(1+x)² log x प्लस 1/(x) इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं हम। 0 टू इंफिनिटी 1/(1+x)² log, और यहां जब हम LCM लेंगे, इसको सोल्व करते हैं, LCM लेंगे तो x आएगा, ये बनेगा x² + 1/(x) इंटू dx, log x² + 1/(x) इंटू dx, इसको सोल्व करेंगे हम। पहले भी हमने डिस्कस किया था काफी, और फिर आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी कभी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बने तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लें। अब आप सब जानते हैं कि जब भी कभी 1+x² हो तो x की जगह हम पुट करेंगे tan या फिर cot। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, हमने x को tan थीटा पुट किया, तो यहां से जो डिफरेंशिएशन बनेगा secant square थीटा इंटू d थीटा, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहां जो रिजल्ट आएगा, जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो लिमिट्स भी इन टर्म्स ऑफ थीटा ही चेंज होगी। अगर x 0 है, tan थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा अगर 0 के इक्वल है तो थीटा 0 रहेगा, और अगर ये इंफिनिटी है, x कितना इंफिनिटी, तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी, और अगर tan थीटा इंफिनिटी है थीटा आएगा π/2। थीटा x अगर इंफिनिटी है तो थीटा बनेगा π/2, क्योंकि tan 90 ही इंफिनिटी होगा। और यहां देखिए क्या क्या रिजल्ट मिल गया, 1/(1+tan²θ), ये आएगा log tan²θ+1 / tan θ इंटू dx, dx कितना, secant²θ इंटू dθ, 0 से π/2, 1/, हम सब जानते हैं कि 1+tan²θ कितना, secant²θ, log, ऐसे यहां पर 1+tan²θ कितना, secant²θ / tan θ, और मल्टीप्लाई कितना, secant²θ इंटू dθ। यहां ये secant²θ से secant²θ कैंसिल, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2, ये बन गया log secant²θ और अपॉन tan थीटा, इनको साइन कोस में चेंज करेंगे। secant²θ को हम लिख सकते हैं 1/cos²θ, और tan थीटा को लिखेंगे साइन बाई कोस, तो ये मल्टीप्लाई होकर के cos थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा इंटू dθ, एक कोस से कोस की टर्म कैंसिल, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, ऊपर रह गया 1 और नीचे आ गया साइन थीटा कोस थीटा इंटू dθ, 1/sin θ कोस थीटा इंटू dθ। अब ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है बच्चे, साइन थीटा कोस थीटा ना नीचे, ये किसी का अधूरा फॉर्मूला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। सो इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, ऊपर हो गया 2 और नीचे 2 sin θ cos θ, ये फॉर्मूला बन गया किसका, sin 2θ का फॉर्मूला इंटू dθ। सो इंटीग्रेशन 0 से π/2 log m/n, log m/n दोनों अलग अलग होकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये बन जाएगा log m - log n,
इंटू डी थीटा, इस पूरे के साथ डी थीटा। और ये आपने क्वेश्चन किया हुआ है यहां पे, तो लॉग टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, रह गया वन, वन का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट पॉइंट जीरो से पाई बाई टू, और यहां आ गया जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टू थीटा। बच्चे आप लास्ट लेक्चर में देखें, लास्ट लेक्चर में हमने लॉग साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन किया हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन था हमारा कौन सा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स पार्ट, इसमें ऐसी ही टर्म बनी थी और मैंने कहा था कि ये पीछे एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल में भी यही है। तो इसके बाद आप कर लीजिए सोल्व क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट में, तब तक आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर एट में जितने भी पार्ट्स है बच्चे, उन सब में आप देखेंगे कि जो लिमिट दी गई है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, पाई बाई टू, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। यहां एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सभी पार्ट्स ऐसे ही हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन नंबर एट में कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। यस, कौन सी प्रॉपर्टी, माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, याद आया कुछ। इसका रिजल्ट कंप्लीटली जीरो रहेगा, इसका रिजल्ट कंप्लीटली जीरो रहेगा अगर ये फंक्शन ओड है, और इस कंप्लीट का रिजल्ट टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स रहेगा अगर अगर ये फंक्शन इवन है। तो सारा सब कुछ डिपेंड करता है इस फंक्शन पे कि इस फंक्शन का नेचर इवन है या ओड है। तो देखिए यहां पर फंक्शन हमारे पास कितना है, साइन स्केयर एक्स, ये फंक्शन है साइन स्केयर एक्स। हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन इवन है या ओड है। इसके लिए हम इस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो ये बन गया साइन स्केयर माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब यहां कुछ भी नहीं है तो जीरो है, जीरो में कुछ कम हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव लेकिन स्केयर लगा हुआ है तो पॉजिटिव, और जीरो पे नो चेंज, ये बन जाएगा साइन स्केयर एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। हम देख रहे हैं कि फंक्शन में एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, खुद वो फंक्शन ही आ गया। अगर खुद फंक्शन ही आ गया तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, इवन है। हमने पहले प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया था कि इवन फंक्शन और ओड फंक्शन कैसे चेक करेंगे, और 11th क्लास का टॉपिक है ये इवन फंक्शन और ओड फंक्शन, हो गया ये। इसके बाद देखिए, अगर ये फंक्शन, द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज इवन, और अगर ये फंक्शन इवन है तो इसका जो रिजल्ट होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आप देखें, अगर ये फंक्शन इवन है तो इस कंप्लीट का रिजल्ट क्या होगा, टू टाइम्स जीरो टू ए, अब ये जीरो टू ए बन जाएगा, टू टाइम्स जीरो टू ए, और कितना, साइन स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चे इसका इंटीग्रेशन आप करें और लिमिट पॉइंट जीरो से पाई बाई टू लगा दें। साइन स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये तो बहुत बार हो चुका है। साइन स्केयर एक्स को क्या लिखेंगे, वन माइनस कोस टू एक्स पूरे के नीचे टू, राइट, और उसकी तरह आप इंटीग्रेट कर लें। इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं, माइनस पाई से पाई, एक्स की पावर टेन साइन की पावर सेवन एक्स इंटू डी एक्स। यहां भी माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगी। हम देखते हैं कि फंक्शन यहां पर कितना है, एक्स की पावर टेन साइन की पावर सेवन एक्स। हम यहां पर एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो ये बनेगा माइनस एक्स की पावर टेन साइन की पावर सेवन माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ये बन गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर टेन, ये हो गया एक्स की पावर टेन, और यहां साइन माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स पावर सेवन है तो नेगेटिव ही रहेगा इस बार, तो कितना आएगा यहां पर, माइनस आ जाएगा साइन की पावर सेवन एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आया, माइनस एफ एक्स, ये फंक्शन है
ये फंक्शन अपने से नेगेटिव के इक्वल आया, तो फंक्शन कैसा है, द गिवन फंक्शन इज एन ओड फंक्शन, दिया गया फंक्शन एक ओड फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आई इज इक्वल टू जीरो, इस कंप्लीट का सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा, कुछ भी इंटीग्रेट नहीं करना, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये जीरो हो गया इसका कंप्लीट रिजल्ट। एक और देखते हैं, इसका सिक्स पार्ट हमने लिया, इंटीग्रेशन माइनस वन से वन लोग टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स इंटू डी एक्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, वन से वन है, माइनस वन से वन हो गई, तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, फंक्शन हमारे पास है लोग टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स, ये फंक्शन हमारे पास है लॉग टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स, एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो लोग एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, यहां माइनस एक्स यहां माइनस, तो प्लस हो जाएगा, ऊपर आएगा टू प्लस एक्स, नीचे आएगा टू माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, बाहर माइनस तो टू प्लस एक्स, नीचे टू माइनस एक्स। अब आप देखिए यहां और इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जो ऊपर है वो नीचे गया, जो नीचे है वो ऊपर आ गया, आई मीन अगर मैं इसको इसके जैसा ही बनाऊं लोग, अगर मैं इसको 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स लिखूं तो इस पे पावर माइनस वन लगानी होगी, ऊपर 2 माइनस एक्स नीचे 2 प्लस एक्स, तो पूरे पे पावर माइनस वन। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉगरिदम की प्रॉपर्टी, लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम मतलब पावर आगे आ जाएगी, माइनस वन लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ये माइनस जो आप देख रहे हो माइनस वन आगे आएगा, तो माइनस वन मतलब माइनस लोग टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब जो ये आप फंक्शन देख रहे हैं ये वही है राइट, जो फंक्शन गिवन था, ये बाहर नेगेटिव है, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आया तो क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज एन ओड फंक्शन, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी I इज इक्वल टू जीरो, इस कंप्लीट का रिजल्ट जीरो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सभी पार्ट्स ऐसे ही हैं, आप इजिली कर सकते हैं, देखें कि वो फंक्शन इवन है या ओड है, x को माइनस x से रिप्लेस करके देखेंगे, इवन और ओड फिक्स होने पे ही पता चलेगा कि उसका रिजल्ट क्या है। तो आप प्रॉपर्टी में देखिए इवन होने पे क्या होगा, ओड होने पे क्या होगा, ओड होने में बड़ा आसान, ओड होने में तो सिंपली लास्ट में आपको जीरो लिखना है, तो आप तो चाहोगे कि क्वेश्चन ओड पे ही बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 11, 12, अब जितने भी क्वेश्चन है वो सब एक जैसे हैं, सब पे मॉडुलस लगा हुआ है, तो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस को डेफिनेट इंटीग्रल से कैसे करेंगे, ये आगे के 4-5 क्वेश्चन में दिया गया है, इनको अब हम सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया, लिमिट है माइनस 3 से 3, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको सोल्व करना है, माइनस 3 से 3 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। जब भी कभी मॉडुलस फंक्शन आए और ये लिमिट्स दी गई हो तो बच्चे आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे, और वो कैसे, आप ये देखें कि ये जो मॉडुलस के अंदर है, मोड के अंदर कौन है, एक्स प्लस 1, ये x प्लस 1 इस माइनस 3 से 3 के बीच में क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो इस x प्लस 1 को जीरो बनाए, माइनस 1, तो ये जो इंटरवल है ये ब्रेक हो जाएगा, आई मीन ये चलेगा पहले माइनस 3 से माइनस 1 तक, प्लस करके फिर चलेगा माइनस 1 से 3 तक, क्यों, क्योंकि जो x प्लस 1 है, x प्लस 1 इन दोनों के बीच में माइनस 1 एक ऐसा पॉइंट है जिस पे ये जीरो बन गया, तो माइनस 3 से माइनस 1 और फिर माइनस 1 से ये अपर लिमिट 3 तक, क्यों गया ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एरिया जो बना वो नेगेटिव पॉजिटिव में बना, एक जगह जीरो हो गया, तो वो ग्राफ जब हम बताएंगे तब आपको बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होगा राइट, उसका ग्राफ जब मॉडुलस फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको बड़ा उसमें पूरा ग्राफिकली आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये क्या हुआ। और दूसरी बात और जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आप देखिए डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें एक प्रॉपर्टी थी ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो मैंने वहां बताया था
ए और बी के बीच में अगर कोई पॉइंट है जो एफ एक्स को जीरो बना रहा है, फंक्शन को जीरो बना रहा है, तो क्या किया था, ए से सी, सी से बी, थर्ड प्रॉपर्टी आई थिंक वहां जो हमने मेंशन की थी। तो ये जीरो किस पे बन रहा है, माइनस वन पे, तो माइनस थ्री से माइनस वन और माइनस वन से थ्री। अब हम ये देखेंगे कि माइनस थ्री से माइनस वन तक, माइनस थ्री से माइनस वन तक जो मोड के अंदर है, मोड के अंदर कौन है, एक्स प्लस वन। ये देखो माइनस थ्री से माइनस वन तक मोड के अंदर जो एक्स प्लस वन है, इसका नेचर कैसा होगा, आई मीन इसका नेचर नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा। तो आप माइनस थ्री से माइनस वन के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख करके देख लीजिए, माइनस थ्री से माइनस वन के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख करके देखो, माइनस टू रख करके देखे, माइनस टू रखेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। तो माइनस थ्री से माइनस वन के बीच में ये जो एक्स प्लस वन है, इसका नेचर नेगेटिव रहेगा। लेकिन मॉडुलस क्या कहता है कि हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो इस कंप्लीट के आगे हम नेगेटिव लगाएंगे। ये बातें आपने बहुत ज्यादा डिस्कस की है, बहुत ज्यादा पढ़ ली है मॉडुलस के ऊपर, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ी थी, इलेवेंथ क्लास में भी हमने लिमिट्स के अंदर जानी थी कि जब भी मॉडुलस फंक्शन आए तो रीडिफाइन करते हैं कहां जीरो बनेगा, फिर देखते हैं कि उससे पहले वाले इंटरवल पे इसका नेचर कैसा है और बाद वाले इंटरवल पे नेचर कैसा है। तो माइनस थ्री से माइनस वन तक कैसा रहेगा, ये नेगेटिव, बाहर नेगेटिव लगा दिया, ये बन गया माइनस एक्स माइनस वन, राइट, या माइनस हम बाहर भी निकाल सकते थे माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हम चलेंगे माइनस वन से थ्री तक। तो आप देखिए माइनस वन से थ्री तक, माइनस वन से थ्री तक इस एक्स प्लस वन का नेचर कैसा है, माइनस वन से थ्री के बीच में जितने भी पॉइंट है उन सब पे एक्स प्लस वन का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, कोई भी इनके बीच वैल्यू रख करके देख लें ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो कितना, एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। बच्चे ऐसा ना सोचे कि ये माइनस एक्स प्लस वन है, ये एक्स प्लस वन ही कैंसिल हो जाएगा, नहीं, लिमिट तो अलग अलग है ना, यहां माइनस थ्री से माइनस वन है, यहां माइनस वन से थ्री है, तो इसका रिजल्ट अलग होगा, इसका रिजल्ट अलग होगा, कैंसिल नहीं हो सकते। बस अब आप सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस तो बाहर रहेगा, ये हो गया एक्स की पावर टू बाई टू प्लस एक्स, लिमिट पॉइंट माइनस थ्री से माइनस वन, प्लस एक्स की पावर टू बाई टू प्लस एक्स और लिमिट पॉइंट माइनस वन से थ्री। अब आप इसमें इजिली रख सकते हैं, माइनस तो बाहर रहेगा, पहले माइनस वन रखेंगे इस पूरे में, माइनस वन का स्क्वेयर वन बाई टू, यहां आएगा माइनस वन, ठीक है, पूरे में माइनस वन रखेंगे, बीच में माइनस लगा करके अब माइनस थ्री रखेंगे, कितना आएगा नाइन बाई टू, और ये आएगा माइनस थ्री, बीच में प्लस करके अब इस कंप्लीट में पहले थ्री रखेंगे तो ये आएगा नाइन बाई टू प्लस थ्री, नाइन बाई टू प्लस थ्री, माइनस करके माइनस वन रखेंगे तो ये आएगा वन बाई टू माइनस वन। बस अब आपको सिंपली ये सोल्व कर लेना है, इसको 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 ये सब सोल्व कर लीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको मॉडुलस वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका मैंने एट पार्ट ले लिया, सारे पार्ट इसमें एक जैसे ही हैं मॉडुलस वाले। तो इसके एट पार्ट में देखिए, थ्री से सिक्स मोड ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, तीनों पे अलग अलग मोड है और बीच में प्लस के साइन है। अगर बीच में प्लस माइनस का साइन है तो सब पर हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस की थी, थ्री से सिक्स एक्स माइनस फोर इंटू डी एक्स, ऐसे ही थ्री से सिक्स मोड ऑफ एक्स माइनस फाइव इंटू डी एक्स, बीच में प्लस है तो सब पर हमने अलग अलग लिमिट अप्लाई की। अब देखिए थ्री से सिक्स तक कोई ऐसा पॉइंट जो इसको जीरो बनाए, खुद ये थ्री ही है, कोई बीच में पॉइंट नहीं है ना, थ्री है तो क्या चल, एक ही इंटरवल बनेगा बस थ्री से सिक्स। अब हम ये देखेंगे कि थ्री से सिक्स के बीच में इस एक्स माइनस थ्री का, इस एक्स माइनस थ्री का नेचर कैसा है, आई मीन ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो थ्री से सिक्स के बीच में कोई भी वैल्यू जब यहां रखेंगे तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ना, खुद ये रहेगा एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स, बीच में प्लस। अब थ्री से सिक्स के बीच में क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो इस एक्स माइनस फोर को जीरो बनाए, है कौन, फोर, तो ये थ्री से फोर तक जाएगा, पहले पहले इसको थ्री से फोर तक लेकर के जाएंगे, थ्री से फोर तक
इस x माइनस फोर का नेचर नेगेटिव या पॉजिटिव? ऑफ कोर्स नेगेटिव, 3 और 4 के बीच में 3.5 अगर मैं रखूं या 3.1 3.2 अगर मैं रखूं, 3.1 3.2 में से 4 माइनस होगा तो नेगेटिव आएगा, रिजल्ट नेगेटिव रहेगा, तो बाहर नेगेटिव लगाना होगा ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस एक्स। तो 3 से 4 तक ये फंक्शन, ये पूरा फंक्शन क्या रहेगा, 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस करके अब हम 4 से 6 तक जाएंगे। 4 से 6 तक जब हम जाएंगे तो इस x माइनस फोर का नेचर नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तो खुद ये x माइनस फोर इंटू डी एक्स रहेगा। अब हम चलते इस पार्ट पे, बीच में प्लस करके 3 और 6 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जो इसको जीरो बनाए, 3 और 6 के बीच में 5 है तो पहले ये जाएगा 3 से 5। अब 3 से 5 तक x माइनस फाइव है ना, यहां पर 3 से 5 तक x माइनस फाइव का नेचर देखेंगे नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव रहेगा, बाहर नेगेटिव लगाना होगा तो कितना बन जाएगा, 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस करके अब हम चलेंगे 5 से 6। 5 से 6 तक x माइनस फाइव का नेचर पॉजिटिव रहेगा, x माइनस फाइव इंटू डी एक्स। अब आप सब इनको इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट रखिए, यहां इंटीग्रेशन कर लो, x की पावर 2 बाय 2 माइनस 3x, ये लिमिट लगा दो, ऐसे इसका इंटीग्रेशन, ये लिमिट इंटीग्रेशन, ये लिमिट इसका इंटीग्रेशन, ये लिमिट इसका इंटीग्रेशन, ये लिमिट सब पे इंटीग्रेट करते चलो, ये लिमिट लगाते चलो, सबको प्लस कर देंगे, वो हमारा ये सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, कुछ और पार्ट्स देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 9 का 10th पार्ट देखिए, लिमिट है 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू डी एक्स। आप सब देख रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, लिमिट 0 से 4। हम यहां पर ये देखेंगे कि 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो डायरेक्ट 0 से 4 ना जाकर के हम इस पे, अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल में तो इंटीग्रेशन बनेगा ही नहीं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में इसका कोई ना कोई एरिया कवर जरूर होगा। मैंने फर्स्ट डे आपको डिस्कस किया था कि डेफिनेट इंटीग्रल पे जब आप ये लिमिट लगा करके सॉल्यूशन निकालते हैं वो एक्चुअली इस के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इसका जो ग्राफ बना है 0 से 4 तक, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 नाम की जो दो लाइन है, वो दो लाइन इसके ग्राफ को जहां से जहां मतलब जहां तक कवर कर रही है वो अंडर जो नीचे जो एरिया बना है उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका पूरा सॉल्यूशन, तो कोई ना कोई एरिया तो जरूर आएगा, तो डेफिनेट इंटीग्रल में तो इसका सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक एक इंटीजर पार करते हुए जाएंगे। जैसे देखिए अगर मैं 0 से 4 0 1 2 3 4 ऐसे देखूं तो पहले हम जाएंगे 0 से 1 तक, हम ये देखेंगे 0 से 1 तक जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 तक गई तो 0 से 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, खुद 0। बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 0 से 1 का मतलब क्या, 0 में कुछ बढ़ रहा है, 0 में कुछ बढ़ने का मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो 0 से 1 तक का सिर्फ 0 रहेगा ना, फिर 1 से 2 तक का क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11th क्लास में हमने ग्राफ आपको समझाया हुआ है पूरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, राइट, 11th क्लास की ही अपने 11th क्लास की रिलेशन फंक्शन का जो मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं उसमें आप देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस में 11th क्लास के जो लेक्चर्स बनाए हुए हैं उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन का आप एक बार लेक्चर खोल लें और वहां पर देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पूरा ग्राफ समझाया हुआ है, आपके बस 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, आप प्लीज एक बार उसको देख लें, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो क्या एरिया बता रहा है। तो 0 से 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, 0। ऐसे अगर हम 1 से 2 तक जाएं, अगर हम 1 से 2 तक जाएं प्लस करके 1 से 2 तक जाएं तो 1 से 2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, खुद 1।
ऐसे ही टू से थ्री तक, टू से थ्री तक जाएं तो टू में कुछ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो वही रहेगा कितना टू, और थ्री से फोर तक अगर हम जाएं तो क्या रहेगा खुद थ्री रहेगा, फोर तक ही जाना है बस, तो जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री और थ्री से फोर, ये यहां तक हम गए तो इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ये आ गए। अब हम इन सबको सोल्व कर देंगे, ये तो कंप्लीट जीरो ही हो गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट पॉइंट वन से टू, यहां टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, बच गया वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट पॉइंट टू से थ्री, यहां थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, रह गया वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट पॉइंट थ्री से फोर, ये आ गया टू माइनस वन प्लस ये आ गया टू टाइम्स थ्री माइनस टू, थ्री टाइम्स ये आ गया फोर माइनस थ्री, राइट। सो इंटीग्रेशन ये आ जाएगा वन प्लस ये वन इंटू टू टू प्लस ये वन इंटू थ्री, सो इंटीग्रेशन इज सिक्स, इस कंप्लीट का रिजल्ट सिक्स आ गया, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, एक बार आप उस ग्राफ को जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर टेन में आते हैं, टेन में भी मॉडुलस फंक्शन ही है लेकिन इस बार मॉडुलस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बस ये फर्क है। तो अगर मैं टेंथ के फर्स्ट पार्ट पे बात करूं, जीरो से पाई मॉडुलस ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स, सेम वही प्रोसेस है, हम ये देखेंगे कि जीरो से पाई के बीच में क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो इस कोस एक्स को जीरो बना दे, अंदर कौन है कोस एक्स, तो अपने को तो कोस एक्स के बारे में सोचना है, जीरो से पाई के बीच में क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो इस कोस एक्स को जीरो बनाए, है कौन, पाई बाई टू, कोस नाइनटी, कोस नाइनटी जीरो होता है, तो ये जाएगा जीरो से पाई बाई टू, राइट। अब आप ये देखिए जीरो से पाई बाई टू तक ये कोस एक्स का नेचर कैसा रहेगा, आई मीन नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम सब जानते हैं जीरो से पाई बाई टू मतलब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा कोस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस करके अब हम जाएंगे पाई बाई टू से पाई तक, अब हम पाई बाई टू से पाई तक जाएंगे, लास्ट पाई तक जाएंगे, पाई बाई टू से पाई तक इस कोस एक्स का नेचर कैसा रहेगा, नेगेटिव, 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहेगा नेगेटिव, तो यहां आ जाएगा माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स, इसको कैंसिल करने की भूल मत करना क्योंकि दोनों लिमिट अलग अलग है। अब आप इजीली कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कीजिए ये लिमिट लगा दीजिए, इसका भी इंटीग्रेशन कीजिए ये लिमिट लगा दीजिए, बीच में माइनस कर देना है, इंटीग्रेट करो ये लिमिट लगाओ, इंटीग्रेट करो ये लिमिट लगाओ। इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं, माइनस वन बाई टू से वन बाई टू मॉडुलस ऑफ एक्स कोस पाई एक्स बाई टू, इसको सोल्व करना है। आप देखिए माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो इस कंप्लीट को जीरो बना देगा, सोचिए माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जो इस पूरे फंक्शन को जीरो बना दे, और फंक्शन हमारे पास आप देख पा रहे हो, फंक्शन हमारे पास कितना है एक्स कोस पाई एक्स बाई टू मोड के जो अंदर है, कौन है माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में जो इसको जीरो बनाए, जीरो, अगर एक्स जीरो हो, अगर एक्स जीरो हो तो ये जीरो हो गया ना, और ये कोस जीरो वन आएगा तो जीरो इंटू वन जीरो आ गया ना, तो ब्रेक कहां होगा माइनस वन बाई टू से जीरो तक प्लस फिर जीरो से वन बाई टू तक, है ना, माइनस वन बाई टू से जीरो और जीरो से वन बाई टू। अब देखना यह है कि यहां पर इस फंक्शन का नेचर कैसा रहेगा और यहां पर इस फंक्शन का नेचर कैसा रहेगा। तो अगर मैं माइनस वन बाई टू से जीरो तक की बात करूं, बच्चे आप सब समझदार हो, आप सब समझ सकते हो कि माइनस वन बाई टू से जीरो तक सब नेगेटिव नंबर्स है ना, माइनस वन बाई टू से जीरो तक सब नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर यहां एक्स की जगह रखा जाएगा तो ये नेगेटिव आएगा, यहां तो क्या रहेगा नेगेटिव, और कोस एक्स के साथ नेगेटिव आएगा, एक्स के साथ नेगेटिव आएगा तो कोस के अंदर जो भी रिजल्ट रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव कोस माइनस समथिंग, कोस में माइनस में कुछ भी हो तो कोस वो समथिंग ही हो जाता है ना, आई मीन कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स ही हो जाता है, तो कोस माइनस थीटा, आई मीन मान लीजिए थीटा आ गया, ये कोस माइनस थीटा आ गया तो ये कोस थीटा ही रहेगा ना,
लेकिन बाहर क्या है, नेगेटिव। ये तो रिजल्ट पॉजिटिव देगा, कोस के साथ अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट उसका क्या आएगा, कोस के साथ अगर नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। तो बाहर क्या लगाना होगा, नेगेटिव माइनस एक्स कोस पाई एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। और अगर हम जीरो से वन बाई टू तक जाएं तो जीरो से वन बाई टू तक सारी टर्म्स पॉजिटिव रहेंगी ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा और कोस के साथ ये रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा। इसको तो ओवरऑल पॉजिटिव ही रहना है और ये बाहर भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट ओवरऑल कैसा रहा, पॉजिटिव। रिजल्ट ओवरऑल कैसा रहा, दोनों की मल्टीप्लाई कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो रिजल्ट क्या रहेगा, ये पॉजिटिव एक्स कोस पाई एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। इसके बाद का काम आपका कैसे, आप इसको थोड़ा सा आपके सुविधा के लिए इसको आई वन प्लस आई टू मान लें, ये इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से होगा, यू इंटू वी से इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से आप इसका इंटीग्रेशन करें, ये लिमिट लगा दें। जो इसका इंटीग्रेशन आएगा सेम इंटीग्रेशन इसका भी होना है, बस लिमिट अलग लग जानी जीरो से वन बाई टू। तो आई वन प्लस आई टू मान करके दोनों को सोल्व करें, आप एक साथ करके देखेंगे तो गलती होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। आप एक साथ करोगे ना इसी में ही, तो आपसे प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। आप अलग अलग इसको अलग से सोल्व करके दिखाएं, इसको अलग से सोल्व करके दिखाएं, फिर बीच में प्लस करके लिख दें, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस आपको ज्यादा टाइम लेंगे, ज्यादा क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको पूरे को सोल्व करने में, तो बच्चों प्लीज थकना नहीं है, सोल्व करके जरूर देने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th के सभी पार्ट्स आप ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम बात करें तो 1 से 4 एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है कब, जब फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन इक्वल है किसके, 7x प्लस 3 के। कब, जब x की वैल्यू 1 से 3 तक है। फंक्शन इक्वल है 8x के। कब, जब x की वैल्यू 3 से 4 तक है। तो ये तो और भी आसान काम हो गया, पहले ही फंक्शन को रीडिफाइन किया हुआ है, तो हमें तो सिंपली इसको सोल्व करना है ना 1 से 4। तो पहले 1 से 3 फिर 3 से 4, ये जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 3। तो 1 से 3 तक फंक्शन कितना है, 7x प्लस 3 इंटू डी एक्स, प्लस करके अब जाएगा 3 से 4। 3 से 4 तक फंक्शन कितना है, 8x इंटू डी एक्स। अब आप इनको सोल्व कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 7x की पावर 2 बाई 2 प्लस 3x, लिमिट पॉइंट 1 से 3। 8 कांस्टेंट बाहर आ गया, x की पावर 2 बाई 2 लिमिट पॉइंट 3 से 4। इन पे लिमिट आप लगा दीजिए, अपर माइनस लोअर, यहां पे भी अपर माइनस लोअर, सोल्व कर ले वो इसका रिजल्ट आएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम बात करते हैं। हमें सोल्व करना है माइनस 5 से 5 x की पावर 43 प्लस मॉडुलस ऑफ x। दो तीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आई मीन प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टी लगा करके कर सकते हैं, इवन ऑड वाले भी। सबसे आसान है कि मैं यहां पर अलग अलग कर दूं, पहले एक साथ लेके भी कर सकते हैं, अलग अलग करके भी कर सकते हैं। एक साथ से क्या होगा कि माइनस फाइव से फाइव मैंने अलग अलग किया, एक्स की पावर 43 इंटू डी एक्स प्लस माइनस फाइव से फाइव मोड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इस पे लिमिट लगा दी प्लस इस पे भी लिमिट लगा दी। अब देखिए ये जो पार्ट बना है, आप इसको लेट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू कह दें। यहां पे जो आई वन है वो कितना है, माइनस फाइव से फाइव एक्स की पावर 43 इंटू डी एक्स। बच्चों मैं कह रहा हूं इस आई वन का रिजल्ट तो जीरो हो गया, क्यों, माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी है ना, तो देखूंगा कि ये फंक्शन इवन है या ओड है। फंक्शन कितना है, एक्स की पावर 43, एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स की पावर 43, तो ये बन गया माइनस एक्स की पावर 43। ये अपने से नेगेटिव के इक्वल आ गया, अपने से नेगेटिव के इक्वल आया, तो इसका मतलब ओड है, ओड फंक्शन है, तो रिजल्ट क्या रहेगा, जीरो। इसका रिजल्ट तो जीरो हो गया। और इस आई टू का रिजल्ट आप कर सकते हैं, माइनस फाइव से फाइव के बीच में कोई ऐसा पॉइंट देखें जिस पे ये जीरो बनेगा, मॉडुलस फंक्शन है ना, तो कितना जीरो, माइनस फाइव से जीरो तक, माइनस फाइव से जीरो तक रिजल्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव।
और फिर चलेंगे 0 से 5 तक, कैसा जेड रहेगा? पॉजिटिव। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड। तो बच्चे यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो गया है। अगली जो दो एक्सरसाइज है वो डेफिनेट इंटीग्रल की इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन पे एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो एप्लीकेशन हम स्टार्ट करेंगे, उससे हम एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे। जो अभी तक मैं बार बार बता रहा था कि डेफिनेट इंटीग्रल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, करता है, वो हम उसमें निकालना सीखेंगे। तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को कंप्लीट कर ले, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चंस आप करके देखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।